हेलो फ्रेंड्स नाउ लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम देखो मैंने क्या किया हुआ है मॉड्यूल में चैप्टर नंबर थ्री जो है आपका उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है एक वीडियो जो ये है एग्रीकल्चरल इनकम का और दूसरा वीडियो जो इसके बाद होगा अदर एग्जाम का एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एग्रीकल्चरल इनकम पहले थोड़ा उसका मीनिंग समझ लेते हैं और उसके बाद उसकी टेक्सीबिलिटी पे जाते हैं सबसे पहले तो लेट से आई एम दी ओनर ऑफ अ लैंड और मैं ये लैंड देता हूं किसी फार्मर को टू डू अ फार्मिंग एक्टिविटी तो वो मुझे जो भी रेंट देगा वो मेरे लिए एग्रीकल्चर इनकम फिर वो फार्मर मान लो वो गुड्स प्रोड्यूस कर देता है और उसके बाद लेट से मुझे देता है और मैं कौन हूं मैं वो ऑपरेशन करता हूं जिसके बगैर ये गुड्स मार्केट में बेचे ही नहीं जा सकते आई मेक द प्रोडक्ट फिट टू द मार्केट और मैं बदले में थोड़ी फीस चार्ज कर रहा हूं ये फीस भी मेरी एग्रीकल्चर इनकम मान लो ये बंदा एक वेयरहाउस है रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे उस पर गुड्स रखने जाता है और उसको थोड़ा रेंट पे करता है ये वेयरहाउस ओनर के लिए ये ये रेंट भी कौन सी इनकम इनकम और अल्टीमेटली जब ये फार्मर मार्केट में ये गुड्स बेचने जाएगा और उसको सेल वैल्यू मिलने मिलेगा वो सेल वैल्यू भी उसकी कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के इर्द गिर्द जितनी भी इनकम आपको दिखती है ना वो सारी कौन सी इनकम हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम हो जाती है तो देखो फॉलोइंग डेफिनेशन आर देर एनी रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड इन इंडिया इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग विच इज सिटेड ऑन रूरल एग्रीकल्चर लैंड एंड इनकम डिराइव फ्रॉम सेपलिंग एंड सिडलिंग ग्रोन इन नर्सरी वो भी कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम अभी नर्सरी छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं एग्रीकल्चर इनकम अभी एक बार आप लोगों ने यह देख लिया कि ये एग्रीकल्चर इनकम है तो ये तो पता है कि सेक्शन टेन क्लॉज वन के अंदर एनी एग्रीकल्चरल इनकम विच इज डन फ्रॉम इंडिया दैट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया वो एग्जम्ट हो जाती है तो यहां जब इनकम गिनेंगे तो इनकम में ये इनकम ऐड नहीं करेंगे एग्रीकल्चर की हाउएवर अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो टैक्स गिनते वक्त आपको एक अलग तरीके से टैक्स गिनना पड़ेगा जिसका नाम है पार्शियल मर्जर स्कीम

एंड नंबर थ्री वॉट एवर इज योटल इनकम से कोई एक भी condition fulfill ना हो पाई तो टैक्स गिनते वक्त भी एग्रीकल्चर इनकम को इग्नोर करो और जैसे नॉर्मली अब तक टैक्स ढूंढते थे वैसे ही ढूंढो तो देखो करना क्या है पहले तो ये देखो असेसी कौन है अगर रेट वाला असेसी है तो ठीक नहीं है

फॉर एक्साम्पल मेरी जो टोटल इनकम है वो है छह लाख रुपया और जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है वो है दो लाख रुपया Obviously, जब ये ये लाख लाख बोलता इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि टोटल इनकम गिनते वक्त तो एग्रीकल्चर इनकम एक्सम ही होती है अब कैन आई से आई एम इंडिविजुअल इनकम इज मोर देन फाइव थाउजेंड कंडीशन नंबर टू से माय टोटल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जामेशन लिमिट कंडीशन नंबर थ्री सेटिस्फाई तो मुझे पार्शियल मर्जर स्कीम अप्लाई हो जाएगा उसमें आप लोगों को है ना सिंपल छह स्टेप्स फॉलो करने हैं स्टेप नंबर वन पहले तो आप ये देखो कि तुम्हारी टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी कहने से सिक्स लाख प्लस टू लाख टोटल विल बी एट लाख अभी स्टेप नंबर टू ये आठ लाख पे तुम देखो तुम्हारा बेसिक टैक्स कितना आ रहा है से पांच लाख तक होता है बारह हजार पांच सौ उसके ऊपर इनकम कितनी बेसिक एक्सम्शन लिमिट मेरे एग्जाम्पल में टू लैख्टी थाउजेंड प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम है दो लाख ,00 तो ये टोटल हो जाता है फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड स्टेप फोर अभी सिर्फ इसका बेसिक टैक्स निकालो ढाई लाख तक कुछ नहीं उसके ऊपर के लाख पे यानी दस ये बोला जाएगा टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम क्या एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लिया जा सकता है नहीं तो इसको टोटल टैक्स में से माइनस कर दो तो तुम्हारा फाइनल बेसिक टैक्स कितना स्टेप टू माइनस स्टेप फोर सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड माइनस टेन थाउजेंड दैट इज सिक्सटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और अभी लास्ट स्टेप में क्या करोगे रिबेट है तो माइनस करो सरचार्ज है तो प्लस करो वरना फाइनली हेल्थ एंड एजुकेशन ऐड कर दो यानी कि यहां पे ना तो रिबेट है ना तो सरचार्ज है ऐड कर दो तो आंसर आएगा सिंपल मैंने क्या किया सिक्स स्टेप्स आई फॉलोड इफ पार्शियल मर्जर इज एप्लीकेबल स्टेप नंबर वन फाइंड आउट योर टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम ओनली फॉर द टैक्स कैलकुलेशन स्टेप नंबर टू उसका बेसिक टैक्स निकालो कितना आता है

मैं पार्टनरशिप फॉर्म होता तो तो भी मैं उसे इग्नोर करके सिर्फ दो छह लाख पे ही टैक्स निकालता पार्शियल मर्जर स्कीम अप्लाई अप्लाई करता नहीं नहीं वन मोर पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड रिबेट होगा कि सरचार्ज का रेट कितना होगा इसके लिए तुम्हें सिर्फ टोटल टैक्सेबल इनकम देखनी है फॉर द लिमिट उसमें एग्रीकल्चरल इनकम ऐड करके नहीं देखना है फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम सिक्सटी लैख एग्रीकल्चरल इनकम फिफ्टी लैख क्या बोला टोटल इनकम कितनी है 60 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है दैट इज 50 लाख मैं एक इंडिविजुअल मेरी एग्रीकल्चरल इनकम पांच लाख से ज्यादा मेरी टोटल इनकम ढाई लाख से ज्यादा कैन आई से ऑल द कंडीशन आर सेटिस्फाइड एंड पार्शल मर्जर स्कीम विल बी एप्लीकेबल इट विल बी एप्लीकेबल नाउ वॉट विल बी स्टेप नंबर वन इन दैट स्टेप नंबर वन टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चरल इनकम कितना होता है वन करोड़ टेन लैक्स स्टेप नंबर टू क्या करेंगे स्टेप नंबर हम लोग इसपे बेसिक टैक्स सिर्फ बेसिक टैक्स निकालेंगे एक करोड़ लाख का बेसिक टैक्स कितना एक करोड़ का तीस टका, प्लस 1, 12, 500, जो कितना होता है थर्टी वन लैख टाइव हंड्रेड फिर स्टेप नंबर थ्री ये देखो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम कितना 250 प्लस 50 अब मुझे सिर्फ इसका बेसिक टैक्स निकाल के बताओ कितना होगा कैन आई से फोर्टी प्लस स्टेप फोर थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड इज सेवन लैख ट्वेंटी अब ये देखो कि व्हाट इज टोटल इनकम सिक्स पचास लाख से ज्यादा एक करोड़ से कम तो दस टका सरचार्ज लग जाएगा फिर जो टोटल आएगा उस पर अल्टीमेटली चार टका लगेगा तो मेरा फाइनल टैक्स कितना पहुंच जाएगा माय फाइनल टैक्स विल बी यानी कि आप जब भी सरचार्ज लगेगा कि नहीं टैक्स लगेगा कि नहीं जब ये सारी चीजें डिसाइड करते हो ना तो आपको सिर्फ टोटल इनकम ध्यान में लेनी है जो कि टैक्सेबल होती है तो चलो टैक्स कैसे निकालना ये तो आपको पता चल गया अभी एक कंसेप्ट आता है कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ इनकम हमने देखा हुआ है जब पीजीबीपी चैप्टर किया तब लास्ट में हमने देखा था कि अगर मान लो मैं एग्रीकल्चरल ऑपरेशन भी कर रहा हूं और बिजनेस ऑपरेशन भी कर रहा हूं और फाइनली कोई प्रोडक्ट बेचता हूं जिससे मुझे प्रॉफिट आता है तो हाउ टू डिवाइड एग्रीकल्चर एंड बिजनेस इनकम हमने देखा था अगर टी का बिजनेस है तो सिक्सटी एग्रीकल्चर हो जाएगा फोर्टी बिजनेस हो जाएगा अगर कॉफी का बिजनेस है 65% एग्रीकल्चर 35% बिजनेस सॉरी अगर रबर है तो 65 एंड थर्टी अगर कॉफी ग्रोन एंड है, तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी uh, और अगर रोस्टिंग भी कर कोई बिजनेस एग्जाम्पल मेरा फार्म है जहां पे मैं शुगर कैन प्रोड्यूस करता हूँ शुगर कैन प्रोड्यूस करने के बाद इसे फैक्ट्री में लेके जाता हूँ फैक्ट्री में इसको शुगर में कन्वर्ट करता हूं और अल्टीमेटली शुगर बेचता हूं मान लो शुगर कैन बनाने के लिए जो एग्रीकल्चरल एक्सपेंस होता है मेरा दस लाख शुगर में कन्वर्ट करने का बिजनेस एक्सपेंस पांच लाख और अल्टीमेटली शुगर मैंने बेचा पच्चीस लाख रुपए में वैसे देखने जाओ तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना पच्चीस लाख में से दस लाख माइनस करो पांच लाख माइनस करो तो दस लाख रुपए का अल्टीमेटली मेरा नेट प्रॉफिट आएगा पर यह पूरा टैक्सेबल नहीं है यह पूरा एग्जम्ड भी नहीं है इसमें से थोड़ा एग्रीकल्चर इनकम है थोड़ा बिजनेस इनकम है पर कितना परसेंटेज तो दिया नहीं है गवर्नमेंट बोली कहीं पे भी इनकम टैक्स में अटकते हो एक रूल तो दिया हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू का रूल और स्टेशन का रूल अप्लाई कर दो मींस मानो कि ये शुगर दोन मैंने फैक्ट्री में ना ले गया होता और सीधा मार्केट में बेचा होता तो उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी मिलती लेट से फेयर मार्केट वैल्यू है तेरह लाख तो बस तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी तेरह लाख माइनस दस लाख यानी कि तीन लाख तुम्हारी एग्रीकल्चरल इनकम और अब ये अज्यूम करो कि बिजनेस में तुमने शुगर कैन बाहर से परचेस किया तो यही फेयर मार्केट वैल्यू तुम्हारे बिजनेस का कॉस्ट बन जाएगा तो अभी बिजनेस की इनकम कितनी 25 लाख माइनस फाइव लैख माइनस थर्टीन लैख दैट विल बी सेवन लैख कैन से दस लाख के प्रॉफिट को तीन लाख और सात लाख में डिवाइड कर दिया जस्ट बाय यूजिंग द कंसेप्ट फेयर मार्केट वैल्यू यानी तुम्हें क्या अज्यूम करना है वॉट इज एग्रीकल्चर इनकम इन दैट केस एग्रीकल्चर इनकम मार्केट वैल्यू माइनस एग्रीकल्चर एक्सपेंस और पीजीबीपी इनकम क्या हो जाएगी सेल वैल्यू माइनस बिजनेस एक्सपेंस माइनस जो फेयर मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चर इनकम ढूंढने के लिए लिया वो आर यूरस्टैंडिंग दिस पीपल सो देट वॉज अ छोटू चैप्टर एग्रीकल्चर इनकम इसके बाद अदर एग्जाम देखेंगे थैंक यू सो मच